उत्तराखंड में हो रही जोरदार बारिश के चलते देहरादून के वसंत विहार थाना क्षेत्र में सीमा द्वार के पास एक मकान पर पुस्तक गिर जाने से घर में रह रहे 6 लोग दब गए। इसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल है जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों के शव को पुलिस की मदद से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये सवेरे हमें सूचना आई थी, उन्होंने सूचना दी थी हम लोगों को कि कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है और एक और मलबे में वसंत विहार क्षेत्र में 6 लोग दबे पड़े हुए हैं। इसकी सूचना आते ही हमने तत्काल यहाँ पे जो हमारे जो कंट्रोल रूम है DDM यहाँ बताया हमने और DM साहब को फोन करके सूचना दी और इसके बाद सबको एक्टिवेट किया गया। थाने की टीम हमारे वहाँ पहुँच चुकी थी, फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच चुकी थी, SDRF की टीम तत्काल पहुँच गई वहाँ पर और उसमें से 2 लोगों को निकाल लिया गया, जीवित निकाल लिया गया था। 4 लोग उसमें दब गए थे जो कि डेड बॉडी निकाली गई है और इस समय जो 4 डेड बॉडी हैं और जो दोनों घायल व्यक्ति हैं दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनको उचित जो जीवित व्यक्ति उचित चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है। और वैसा बताया गया कि ये सभी के सभी 6 लोग जो है भागलपुर के रहने वाले, बिहार के रहने वाले हैं और कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, 3-4 महीने पहले यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। तो जैसे कि मौके की स्थिति बता दी कि वहाँ पे उनका मकान कच्चा था और बगल में एक दीवार थी, उस दीवार के ढहने की वजह से डेथ हो गई। उसमें बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं और एक महिला है और एक पुरुष है और जो बचने वाले में भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और एक लड़का है, उसको बचा लिया गया है। और इसके अलावा 2 अन्य जगहों पर भी MDDA कॉलोनी और एक रायपुर थाना क्षेत्र से भी 2 व्यक्तियों के बहने की सूचना मिली है। उसमें से जो बलबीर रोड से जिसकी डेथ को जो व्यक्ति बाहर था राजेंद्र राम का, उसकी डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है और जो रायपुर क्षेत्र से जो व्यक्ति बाहर था नफीस, उसकी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरा मामला सहसपुर का है जहां आज सुबह लगभग 7 बजे पूर्व ग्राम प्रधान छरबा ने सूचना दी कि ग्राम छरबा में गुरुद्वारे के पास शीतला नदी के रास्ते में रपटा पर अधिक पानी आ जाने के कारण एक व्यक्ति पानी में बह गया। इस सूचना पर सहसपुर थाना अध्यक्ष द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पानी के तेज बहाव से रेस्क्यू कर व्यक्ति को निकाला गया जिसकी पानी के तेज बहाव में बहने के कारण मौत हो चुकी थी। वहीं जब सबकी शिनाख्त कराई गई तो बरामद शव अब्दुल अजीज पुत्र मखदूम का होना पाया गया। जानकारी करने पर पता चला कि मृतक आम के बाग में चौकीदारी करता था और आज सुबह बाग में जा रहा था, पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया जिस कारण उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों को सूचित किया जा चुका है और अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। प्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।